आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने का जेई मेंस के 10 जनवरी 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपने क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ दिस, ये देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन लग रहा है। कॉट के अंदर अपने का सिग्मा दे रखा, सिग्मा के अंदर फिर कॉट इनवर्स दे रखा, इसके अंदर 1 प्लस सिग्मा फिर दे रखा, फिर आपने क्या 2p दे रखा है। ठीक है, तो अपन ना इस लंबे क्वेश्चन को देखकर के घबराना नहीं है। इस लंबे क्वेश्चन को क्या कीजिए, टुकड़े टुकड़े में सॉल्व कीजिए। हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर आपने क्या इसको सॉल्व करेंगे, फिर आपने क्या इसको सॉल्व करेंगे, और फिर आपने क्या इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हमने क्या 3-4 पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं। तो ये फंक्शन तो लिखा ही हुआ है, तो यहां से हम क्या कहते हैं, पहले सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्या लिखा हुआ आपने के पास, सिग्मा P इक्वल टू 1 से लेकर के कहां तक दे रखा है, n तक। P इक्वल टू 1 से लेकर के अपने पास ये n तक दे रखा है, और यहां से 2p दे रखा है। हम सिर्फ और सिर्फ किसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको, जो अपने पास ब्रैकेट लगा है, जो स्क्वायर लगा है, इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास 2 कॉन्स्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट सिग्मा से बाहर आ जाता है। तो P इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, और ये आ गया P के बराबर। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कहां तक, तो n तक। ठीक है, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम आपने के पास किसके बराबर होता है, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम होता है आपने के पास 2 इंटू n, ये आपने के पास 2 तो बाहर है, n इंटू n प्लस 1 और अपॉन में आपने के पास 2 के बराबर। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम होता है, यानी ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, यानी ये जो आपने के पास ये जो क्वांटिटी लिखा हुआ आपने के पास लिखा क्या हुआ है, n इंटू n प्लस 1 के बराबर। हाँ या ना, ये आपने के पास सिग्मा p प्लस 1, सॉरी p इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक का वैल्यू किसके बराबर किया, इसके बराबर। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने के पास इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद सिंपल, अब अपने के पास क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, किसको इसको सॉल्व करते, तो कॉट इनवर्स अपने के पास ये दे रखा है। ठीक है, तो यहां से अपने के पास क्या दे रखा है, ये कॉट इनवर्स 1 प्लस, और ये इसकी जगह अपने पास ये तो बाहर में प्लस लगा हुआ है ना, 1 और प्लस कॉट इनवर्स 1 प्लस ये सिग्मा, सिग्मा की जगह अपने पास क्या है, ये पूरा आ जाएंगे, तो ये पूरा चिपका दीजिए, तो n इंटू एन प्लस 1 के बराबर। हाँ या ना, ये अपने पास n क्या हो जाएंगे, n अपने पास 1 2 3 4 5, ये अपने पास 1 से लेकर के अपने पास n तक, तो ये पूरे पॉजिटिव होंगे, यानी पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करेंगे तो अपने पास पॉजिटिव ही होंगे। तो जब ये पूरा पॉजिटिव है तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, टेन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एन इंटू एन प्लस 1। हाँ या ना, इतना लिख सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, परेशानी नहीं। अब देखिए जब इसको यहां तक लिख सकते हैं तो इसको क्या कीजिए, अपने के पास एक सीरीज बन जाएगा, इसको इसको ऊपर अपने के पास 1 को नीचे वाले को फंक्शन को ऊपर बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये लिख सकते हैं एन प्लस 1 और माइनस टाइम्स एन के बराबर, और अपॉन में अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, तो 1 प्लस एन इंटू एन प्लस 1 के बराबर। हाँ या ना, ये जब लिख सकते हैं तो अब कुछ दिखा क्या, अरे हमें तो दिख गए, क्या दिखे, तो टेन इनवर्स एन प्लस 1 और माइनस टाइम्स टेन एन के बराबर, यानी ये जो क्वांटिटी दे रखा है कॉट इनवर्स 1 प्लस एन इंटू एन प्लस 1, ये जो पूरा है वो आपने क्या किसके बराबर लिखा हुआ है, इसके बराबर लिखा हुआ। हाँ या ना, कर सकते हैं, ये आपने क्या टेन इनवर्स एन प्लस 1 माइनस एन, तो ये आ गया आपने क्या टेन ए माइनस टेन बी के बराबर, ये इनवर्स है। ठीक है, तो टेन इनवर्स 1 के बराबर। अब देखिए ये क्या आ गया आपने के पास, ये पूरे क्वांटिटी, फिर बाहर सिग्मा लगा हुआ, चलिए लगाइए जो कह रहा है वो लगाइए, तो ये सिग्मा लगा दीजिए, सिग्मा जैसे ही लगाएंगे तो ये आ गया अपने के पास कॉट इनवर्स 1 प्लस एन इंटू एन प्लस 1 के बराबर। तो ये आ गया अपने के पास किसके बराबर, तो एन इक्वल टू इस बार कहां से कहां तक है, तो एन इक्वल टू अपने के पास दे रखा है, यहां पर दे रखा है 1 से लेकर के कहां से, 1 से लेकर के 19 तक, तो यहां से एन इक्वल टू 1 से लेकर के 19 तक। चलिए इसमें अपने के पास 1 से लेकर के 19 तक, तो इसको अपने के पास क्या लिख सकते हैं, एक स्टेप और लिख दीजिए ताकि ज्यादा आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सिग्मा एन इक्वल टू 1 से लेकर के कहां तक, 19 तक, और इस पूरे क्वांटिटी की जगह ये पूरा छिपा दे, तो यहां से हमने क्या आ जाएगा टेन इनवर्स एन प्लस 1 और यह आ गया हमने क्या माइनस टाइम्स टेन एन के बराबर। हाँ या ना, तो इसको सॉल्व कीजिए, अब इनके पास इसका मतलब क्या होता है, एडिशन, तो चलिए वैल्यू पुट कीजिए, एड करते जाइए, तो एन इक्वल टू 1 डालें, तो यह अपने क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 2 के बराबर, एन इक्वल टू 1 2 माइनस टाइम्स टेन इनवर्स 1 के बराबर। अब इनके पास फिर प्लस टेन इनवर्स, सारे ऐड कर रहे हैं, तो टेन इनवर्स अपने के पास किसके बराबर 2 डाले, तो यह आ गया 3 माइनस टेन इनवर्स 2 के बराबर, 3 डालिए तो टेन इनवर्स किसके बराबर, तो यह आ गया अपने के पास 4 के बराबर, और सॉरी 3, हाँ 3 डाले तो 4 और माइनस टाइम्स टेन इनवर्स 3 के बराबर। ऐसे ही अपने के पास डॉट 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 करते हुए सबसे लास्ट हम 19 डालना पड़ेगा, तो टेन इनवर्स 19 सॉरी 19 प्लस 1 20 हो जाएंगे ना, इसमें 19 डालेंगे तो 19 प्लस 1 20 के बराबर। हाँ या ना,
20 के बराबर और माइनस 10 10 इनवर्स ये आ गया अपने पास 19 डालेंगे तो ये 19 के बराबर। कुछ दिखा क्या? कुछ कट रहे हैं, क्या कट रहे हैं भाई? कुछ क्या ये अपने पास 1, अच्छा ये इधर से कट रहे हैं, यहां से देख लीजिए ये कट गए, ये भी कट गए, ये भी कट गए, ऐसे अपने पास कटते हुए चला जाएगा पूरा अपने पास कट गए। बचा क्या? तो इधर से अपने पास ये बचा नेगेटिव के साइन के साथ, इधर अपने पास ये बचा पॉजिटिव के साथ, यानी कि अपने पास इसका जो वैल्यू आया ना सिग्मा एन इक्वल टू 1 से लेकर के अपने पास कहां तक 90 तक कॉट इनवर्स इसका वैल्यू, ये कॉट इनवर्स 1 प्लस एन इंटू एन प्लस 1 के बराबर 1 प्लस एन इंटू एन प्लस 1 इनका जो वैल्यू आ गया वो अपने पास किस बराबर, तो 10 इनवर्स 20 के बराबर और माइनस 10 अपने पास किस बराबर 10 इनवर्स 1 के बराबर, तो माइनस 10 10 इनवर्स 1 के बराबर। हाँ या ना? अब अपने पास इसके बाहर भी कॉट लगा रखा है, कितना लगा रखा है देखिए अपने पास सवाल को एकदम रद्दी कर दिए तोड़ तोड़ के, ठीक है बाहर क्या लगा हुआ कॉट लगा हुआ, चलो लगाओ कॉट, ठीक है जो लगाना है लगा दो, इसके बाहर भी कुछ लगाना है तो लगा दो, तो यहां से कॉट लगाओ तो ये अपने पास क्या जाएंगे कॉट, ये कॉट इनवर्स नहीं है कॉट है, और इसके बाद अपने पास सिग्मा लगा हुआ है एन इक्वल टू 1 से लेकर के 19 तक, और यह आ गया अपने पास कॉट इनवर्स, क्या गया 1 प्लस एन इंटू एन प्लस 1 के बराबर इक्वल टू, चलिए कॉट लगा तो इसमें भी कॉट लगा, इधर जब कॉट लगा तो इधर भी कॉट लगेंगे ना, तो कॉट 10 इनवर्स 20 और माइनस 10 10 इनवर्स 1 के बराबर। अब जब ये 10 इनवर्स 20 माइनस 10 10 इनवर्स 1 है, यहां से क्या कीजिए इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से अपने पास इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 इनवर्स, यानी तो कॉट इनवर्स के फॉर्मेट में लिख दीजिए ना क्या जाता है, ठीक है इसको क्या मान लीजिए a मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए b मान लीजिए, जब a और b मानेंगे तो ये अपने पास किस तरह आ जाएगा cot a माइनस b के बराबर। हाँ या ना? cot a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो cot a इंटू b के बराबर cot a इंटू cot b और प्लस टाइम्स 1 और अपॉन में अपने पास किस तरह आ जाएगा cot a नहीं cot b हो जाएंगे, यहां से cot b माइनस कॉट ए के बराबर। इसको ये भी कर सकते हैं अपने पास 10 में चेंज कर लीजिए फिर से लिख दीजिए, तो यहां से अपने पास कॉट ए और कॉट बी चाहिए, तो 10 इनवर्स 20 इक्वल टू ए के बराबर माने हैं, तो यहां से अपने पास किसके बराबर है, तो 10 ए अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 20 के बराबर, तो कॉट ए अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे कॉट ए अपने पास यहां से 1 अपॉन 20 के बराबर। हाँ या ना? 10 ए 20 तो कॉट ए इसका जस्ट उल्टा, यहां से अपने पास 10 इनवर्स 1 इक्वल टू किस बराबर बी के बराबर, तो यहां से 10 बी इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 1 के बराबर, जब 10 बी 1 के बराबर तो कॉट बी भी अपने पास 1 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, तो यहां से कॉट ए अपने पास किसके बराबर कॉट ए अपने पास 1 अपॉन 20 के बराबर, तो 1 अपॉन 20 इंटू 1 प्लस टाइम्स 1 और अपॉन में 1 अपॉन कॉट बी है ना, तो वो ये अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे कॉट बी 1 और माइनस टाइम्स 1 अपॉन 20 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से अपने पास आ जाएगा 21 अपॉन 20 के बराबर और नीचे आ जाएगा अपने पास 19 अपॉन 20 के बराबर, 20 20 कैंसिल आउट हो गए, यानी अपने पास बच कितना गया 21 अपॉन 19 के बराबर, यानी जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो अपने पास 21 अपॉन 19 के बराबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो देख लिया अपने पास कैसे कैसे सॉल्व करना है, तो सिग्मा देख करके घबराने नहीं कि अरे आ क्या गया, तो ये अपने पास 19 अपॉन किसके बराबर जाएंगे किसके बराबर आए थे अपने पास नीचे से देख लीजिए 21 आए थे या 19 आए थे ऊपर नीचे अपने के पास गलत आंसर। अब आंसर देख करके गलत मत मान लीजिए 21 अपॉन 19 आए थे, ये आ गया अपने पास 21 अपॉन 19 के बराबर, तो 21 अपॉन 19 अपने पास कौन से ऑप्शन में, तो 21 अपॉन 19 ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है देखिए 19 अपॉन 21 है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है तो गलत होने की पूरी पूरी संभावना हो सकती है, ठीक है तो ये आ गया 21 अपॉन 19 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने के पास 10 जनवरी 2019 के शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन और काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है तो आप इंडिविजुअली सॉल्व कीजिए, इसको अलग सॉल्व कीजिए फिर इसमें 1 ऐड कर लीजिए फिर अलग सॉल्व कीजिए फिर अलग ऐसे करते करते, तो जितना सिग्मा है सिग्मा देकर के घबराने नहीं है कि ये क्या लिख दिया। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं और इस वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।